शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। बढ़ते कोरोना मामलों को देख राज्य में आज से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। अत्यावश्यक सेवाएं छोड़ अन्य सभी तरह की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में फिर एक बार लगाए गए लॉकडाउन से व्यापारियों में असंतोष बना हुआ है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीवुड के व्यापारियों में भी असंतोष देखने मिला। मौजूद मनपा कर्मचारियों के साथ हो रही बहस और बढ़ते गर्मा गर्मी के माहौल के बीच परिस्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस बल को तक आना पड़ा। व्यापारियों ने लॉकडाउन का विरोध करते हुए प्रशासन प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। सामने फॉरएवर प्रिटी मेरी शॉप है, बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी आप बंद करोगे, एक महीने के बाद आप चालू करोगे, फिर कोरोना बढ़ेगा, फिर क्या करोगे? वापस लास्ट टाइम के जैसे वापस लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते रहोगे, ये सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्यूशन निकालो कि कोरोना का आप क्या कर सकते हो। आपने वैक्सीनेशन पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, एज के हिसाब से आप कर रहे हो, फॉरेन कंट्रियों में आप वैक्सीनेशन सप्लाई कर रहे हो, इंडिया में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, ठीक है, अनलॉक में केस कम हुआ, हाँ, और आपको करके फायदा क्या? आपको बंद करना है, आपको बंद करना है, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर आप एक टाइम लिमिट बनाओ ना शॉपकीपर्स के लिए। सुबह 10 बजे चालू करो, शाम को 5 बजे बंद करना है, 6 बजे बंद करना है, उससे भी हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन आप एक महीना कंटिन्यूसली बंद करने के लिए बोलोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमको। हम फिर भी खोलेंगे, मोर्चा करेंगे, अब जो करना है कर लो, हम लोग सब साथ में हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बंद करवाया, अच्छी बात है, वो हमारे लिए ही गवर्नमेंट कर रही है, हमारे ही लिए ही सब कुछ कर रहे हैं उन लोग, आप भी हमारे लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये बोलना है कि हम लोगों के लिए बारे में भी कुछ सोचा जाए। हम लोग तड़प के रह जा रहे हैं, कुछ लोग बोल देते हैं लेकिन हम लोग बोल भी नहीं पाते, हम किसको बोलने जाएंगे? हमारी आवाज़ों को भी कहीं पहुंचाया जाए कि भाई हम लोग को आज इतने बड़े बड़े स्टोर है, हम लोग टैक्स पेयर है, टैक्स भी गवर्नमेंट को हर समय से हम लोग भरते हैं। दूसरा है कि हम लोगों को आज हमारे पास 10-20 लड़के लोग जो स्टाफ है काम करते हैं, उनको भी घर चलाना होता है, बीवी बच्चे वाले, हमको उन पर दया आती है कि भाई इनको कैसा इनका घर चलेगा, तो हमको उनको सैलरी मजबूरन में, हमको कर्ज ले करके मजबूरन में हमको उनको सैलरी पे करना पड़ता है। भाड़ोत्री है, वो बोलता है हमारा ईएमआई चालू है, हम आपको भाड़ा क्यों छोड़ेंगे, हमको उसको भाड़ा भी देना पड़ता है। गवर्नमेंट बोल रही है आप बंद कर दो, हम बंद करने को राजी है, लेकिन हमारे बातों को भी तो कोई सुना जाए। हमको किसी से गिला सिकवा नहीं है, हमको किसी से गिला सिकवा नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए, आगे तक ये बात पहुँचे कि हमको भाड़ा कम से कम माफ़ किया जाए, या थोड़ा सा जो है कि सहूलियत, कुछ भी सहूलियत जो होता है कि भाई हाँ, कुछ व्यापारी लोगों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। व्यापारी लोग, मैं अपनी बीती में मेरा घर बेच दिया और उसके बावजूद फिर से लॉकडाउन हो रहा है, तो मैं क्या बेचूंगा? मेरा कंपनी चलाने के लिए मैं और क्या बेचूंगा? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम खुद ये बंदा शख्स, उनको मालूम है मैं 10 दिन पहले मैं सुसाइड करने जा रहा था, मैं 10 दिन पहले सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन कुछ लोग मेरे को रोक लिए, जो कि मेरे मित्र थे वो समझ गए, मुझे रोक लिए, नहीं तो मैं 10 दिन पहले सुसाइड करने जा रहा था। ये बंदा ऐसा नहीं तड़प के मर के, मरना ही नहीं जरूरी है, कुछ लोग पल पल मरते हैं, कुछ लोग पल पल मरते हैं, मरना ही मरना जरूरी नहीं है, हम सबके बारे में सोचते हैं। मैं मरते मरते बचा हूँ, इन लोगों को मालूम है, आपको पूछना है, बंदे से पूछ सकते हो, मैं सुसाइड करने के लिए घर से निकल चुका था। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।